वेलकम बैक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नामांकन में देरी हो रही है। जामनगर हाउस में अरविंद केजरीवाल एसडीएम दफ्तर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें अभी और समय लग सकता है। हालांकि केजरीवाल ने तय समय 3 बजे से पहले ही टोकन ले लिया था, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि उनका टोकन नंबर 45 है। अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे से दफ्तर में मौजूद है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बाकी उम्मीदवारों पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम दफ्तर के भीतर अराजकता का आरोप लगाया। सीएम जब पहुंचे थे उसके थोड़ी सी देर बाद ही पहुंचे थे, लेकिन आप आ गए नामांकन करके। सीएम को 2 घंटे का करीब वक्त हो गया, लेकिन उनका नामांकन हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्टेटस है? देखिए, अंदर जो है काफ़ी अराजकता का माहौल है और करीब 20-25 लोग वहां पे आए हुए हैं जिन्होंने अपने नंबर ले लिए हैं कि भाई मेरे को नामांकन भरना है, मेरे को भरना है, मेरे को भरना है, मेरे को भरना है। अब ये सबका हक होता है कि नामांकन कोई भी भर सकता है, मगर ये लोग जो हैं, एक तो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, इनके पास ना तो कागज़ है, ना इनके पास नॉमिनेशन फॉर्म है, ना इनके पास स्टैम्प पेपर है, ना इनके पास एफिडेविट है। यहाँ तक कि एक इंडिपेंडेंट को जो 10 प्रपोजर चाहिए होते हैं अपने साथ, 10 वोटर चाहिए होते हैं, इनके पास वो भी नहीं है। ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, 2-3 वकील हैं जो सबके लिए कॉमन है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये मतलब ये कॉमन किया जा रहा है, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के इनके फॉर्म भर रहा है हाथ से। कौन लोग हैं इनके पीछे, क्या कौन है ये पता चल? वो तो देखो जाहिर सी बात है, वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के ऊपर थप्पड़ से वार कराते हैं, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री की आंख में मिर्ची फेंकते हैं, ये वही लोग हैं। नहीं, किस इशारा के, लोगों को सबको पता है। देखिए, और अब जो है इन हथकंडों से फ़ायदा नहीं होता। अब क्या है, आप सोचिए, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, उन्हीं के वेटिंग रूम में 20-25 लोग बैठे हैं, अजय फ़ोन करके कह रहे हैं भाई मैं नॉमिनेशन भर रहा हूँ, आ जा तू मेरा प्रपोजर बन जा। ये घर से, ये उसको घर से बुला रहे हैं अपने प्रपोजर को, और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे 10-10 प्रपोजर नहीं आ जाएंगे, वो साइन नहीं कर देंगे, हमारा फॉर्म भरा नहीं जाएगा, हम दे नहीं देंगे, तब तक किसी और का नंबर नहीं आने देंगे हम। और ऐसे 20-25 लोग हैं। और इसी बात पर हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं जावेद अंसारी। जावेद, सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि आप भी वहीं पर मौजूद हैं एसडीएम दफ्तर के बाहर? देखिए, सौरभ भारद्वाज के जो ये आरोप हैं, इसमें दम इस वजह से भी लगता है कि मुख्यमंत्री को 3 घंटे करीब हो गए हैं जामनगर हाउस में, जहां वो 12:15 बजे आए थे और अभी तक वो अंदर ही हैं। तो जो जानकारी हमें मिल रही है, उनका नंबर 45 हुआ है और करीब आधे घंटे पहले हमें पता चला था कि जो वहां पर नंबर नामांकन का नंबर चल रहा है वो 23 या 24 चल रहा है, और एक नामांकन में वक्त लग रहा है 20 मिनट से आधा घंटा। जो पता चल रहा है कि 6 से 7 बजे तक हो सकता है कि सीएम का नंबर आए, उनकी बारी आए नामांकन करने की, क्योंकि हमने देखा था जब सुबह हम ही आए थे ठीक इसी जगह पर, एक लंबी कतार यहां पर खड़ी थी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलग अलग विभाग से थे, जैसे कुछ डीटीसी से थे, कुछ ऐसे थे जो अन्ना आंदोलन में उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें धोखा मिला इसलिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं विरोध स्वरूप। तो वहां वो पहुंचे, और हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं कि उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सीधा अटैक किया है विरोधियों पर कि जो लोग इसके खिलाफ है वो सबको पता है और वहां अराजकता का माहौल है। लेकिन अभी ताजा स्थिति यही है, 3 घंटे के करीब वक्त हो गया है और सीएम अभी जामनगर हाउस में ही बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति, तो जावेद आप बने रहिए हमारे साथ। जावेद मंसूरी हमारे संवाददाता बता रहे हैं किस तरह से 12 बजे केजरीवाल एसडीएम दफ्तर तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी अपनी बारी का इंतजार नामांकन भरने के लिए कर रहे हैं। 45वां नंबर उनका है। जावेद मंसूरी ये बता रहे हैं कि वहां पहुंचे अरविंद केजरीवाल के साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह से डिले करने की कोशिश की जा रही है ताकि नामांकन भरने में इस तरह का विरोध का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़े। लेकिन वो कह क्या रहे हैं जावेद मंसूरी, जो निर्दलीय उम्मीदवार पहुंचे हैं वो जानबूझकर आनंद फानंद में पहुंचे हैं या फिर किसी के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं, इस तरह की बात आम आदमी पार्टी के नेता क्या करते सुनाई दे रहे हैं वहां पर? देखिए, जब हम यहाँ सुबह आए थे तो करीब 25-30 लोग थे जिनके हाथ में नामांकन की फाइल थी,
तो वो अलग अलग जगह से थे, जैसे कि हमने बताया कि वो अन्ना आंदोलन के कुछ लोग थे कि हमें धोखा मिला, वो इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे थे डीटीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर्स थे, वो इसलिए नाराज हैं कि उन्हें परेशानी है, उनके विभाग में नौकरी में परेशानी आ रही है, इसीलिए वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर वो लोग यहाँ पहुंचे इस वजह से थे कि वो यहाँ पर आए और अरविंद केजरीवाल के सामने नामांकन दाखिल करें। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, यही लोग जो हमें जानकारी मिली है कल भी यहीं पर इसी तरह से पहुंचे थे। उनका वो चाह रहे थे कि कल जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आएंगे तो उनका जो नामांकन में वो पहले भरेंगे, लेकिन जब पता चला कि अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे, उनको आज आना है, वो आज आ चुके हैं, तो वो आज यहां पर पहुंचे। और अभी अरविंद केजरीवाल से पहले ही 11 बजे जामनगर हाउस जहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो लोग थे यहां पर, वो अंदर की तरफ गए, करीब 25-30 लोग थे। और उसके बाद सीएम, अभी काफी समय लगने वाला है जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, और जो 45वां नंबर अरविंद केजरीवाल का है उस हिसाब से भी तो इंतजार रहेगा जब अरविंद केजरीवाल नामांकन भरेंगे, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।